पंजाब सरकार पंजाब सरकार। भाई हम लोग का कोरोना नहीं है यार, बिहार से बोला के इस तरह फंसा के रखा है यार। आ देखो खाना नहीं पहुंचा, पांच कुत्ते टाइम हो गया, अभी तक कोई भी बंदा नहीं खाने भात नहीं पहुंचा, कहते कली चाह होगी हूं खाना नहीं आऊगा। भावें कि बठिंडा प्रशासन लख दावे कर रहा है कि उन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए ने, आइसोलेशन सेंटर बनाए है उत्ते सारे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, पर आइसोलेशन सेंटर के लीक हुई वीडियोज क्लिप है वो अंदर का भांडा भन रही ने कि अंदर के हालात बहुत माड़े है। तुसी देख रहे हो कि मैरिटोरियस स्कूल के असं आए हुए हैं जिते आइसोलेशन वार्ड अपने पंजाब सरकार ने और बठिंडा के जिला प्रशासन ने बनाया हुआ है, पर इतने जोड़ा है 467 इस वे इतने मरीज भर्ती ने जोड़े पॉजिटिव है, पर आइसोलेशन वार्ड के ना कोई सफाई का प्रबंध है और जो टॉयलेट है उत्ते पानी नहीं है और जो खाली बोतल ने डिस्पोजल द्लेटा ने वो उत्थे पहुँ ने उन्होंने कोई हाथ नहीं लगा है। ये प्रशासन की नलायकी जी है और जोड़े इतने तैनात अधिकारी ने चाहे वह सेहत विभाग के ने चाहे वह सिविल प्रशासन के ने, उन्होंने नलायकी सामने आ रही हैगी है। और नाल ही जड़ा है तुसी देखिया कि कल जड़ा है अंदर जो मरीज ने उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने खाने लिए खाना नहीं मिलता पाया और उन्होंने कंधा से चढ़ के छाल मारने लिए भुखे मरते हुए। भाई इधर लाओ ना, इधर लाओ। भाई हम लोग का कोरोना नहीं है यार, बिहार से बोला के इस तरह फंसा के रखा है यार। हम लोग का कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है यार, फालतू में हम लोग का इधर फंसा के रखा है, पूरे मॉल में रखा है यार। पंजाब सरकार पंजाब सरकार। पर जो है प्रशासन का और जो इन्हों का दावा है जो इतने तैनात ने डॉक्टर गुरदीप सिंह उन्होंने कहना है कि पूरा खाना जो है इन्हों मुहैया कराया जा रहा है, हालांकि जी जिम्मेदारी है कि खाने की प्रशासन की हैगी है, पर इनू नौजवान वेलफेयर सोसायटी द्वारा जो है इतने खाना मुहैया कराया जा रहा है। दिक्कत कितने है, दिक्कत यह है कि नौजवान वेलफेयर सोसायटी जी है खाना सारे मरीजों के लिए, मान लो इतने 467 मरीज ने तो उन्होंने को 520 मरीजों का खाना इतने पहुँचाया जाता है, इतने खाना आ जाता है पर इतों डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगे, वो खाना इतने इतने ही पिया रहा है। तो इस गल तो यह गल सामने आती है कि जेडे इतने तैनात डॉक्टर है जो पूरा अमला है उन्होंने लापरवाही है, वो मरीजों तक खाना नहीं पहुँचाते जदों के उन्होंने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ज़्यादा खाने की लड़ है, ज़्यादा एनर्जी वाला खाना उन्होंने देने की लड़ हैगी है। पर इतने जोड़ा है वो ही सरकारी तंत्र वाला रवैया इन्होंने अपनाया हुआ है, मरीजों तक होर जी सुविधावान तक ही पहुँच रही सी, प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता पाया। डॉक्टर साहब इस वे इतने किन्ने पेशेंट है मैरिटोरियस स्कूल के? इस टाइम साढ़े को 467 पेशेंट है जी। जी सारे पॉजिटिव ने? सारे पॉजिटिव है, जिन्होंने 4 पेशेंटा हल्के सिमटम है, बाकी सारे सही है। अच्छा, तो ये जो पेशेंट है ज़्यादातर कितों के है? ज़्यादातर रिफाइनरी रामा। ज़्यादातर रिफाइनरी है, ठीक है। डॉक्टर साहब पिछले दिनों के मतलब कई वीडियो देखने को मिलनी जो आउट हुई इतों, मतलब वो कहें भी सानू इतने खाण पीन नहीं वधिया मिल रहा, इतने सफाई व्यवस्था नहीं हैगी, साढ़े नाल जिहड़ा हैगा दुरव्यवहार किया जाता है, और इस अलावा जो कहें भी साढ़ा क्वारंटाइन जो टाइम है वो पूरा हो चुका है पर सानू फिर भी इतों डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। पेशेंट नूं डिस्चार्ज असीं गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक करते हैं, अगर पेशेंट नूं पहले ही दस देना कोई तकलीफ नहीं होंदी असीं उन्हां नूं कर दिंदे हां। और जो लास्ट के दिन असीं देखते हैं कोई साइन सिमटम नहीं आया असीं उन्हें डिस्चार्ज कर दिंदे हां, अगर इस टाइम दौरान उन्हां नूं किसी किस्म की तकलीफ आती है फिर असीं अलग प्लान करते हैं। जदों इन्हां नूं डिस्चार्ज करते हैं दोबारा फिर इन्हां दे सैंपल सैंपल ले जाते हैं? नहीं, सरकारी हिदायतां एक बार सैंपल होंगे दोबारा सैंपलिंग नहीं होंगी। एक व्यवस्था के बारे में जो मैं कहा कि वीडियो कुछ बाहर आई ने कि अंदर सफाई व्यवस्था नहीं, खाने खाने की भी दिक्कत हैगी है, सवेर का खाना शाम तक नहीं मिलता, वो बारे की? वो बारे असं ये कहेंगे कि साढ़े को 400 उपर मरीज है जी, मरीजा कल कल खाना वंडन से टाइम लग जाता, कई बार
एक मरीज़ ज़्यादा खाना भी लै जाता तो कुछ मरीजों घट भी जाता फिर सानू दोबारा मंगाना पैंदा। अच्छा, कई बारी मरीज साढ़े को उदों दाखिल होंदा जबकि खाना वापस चुकिया होंदा। अच्छा, जो असं उन्होंने बिस्कुट वगैरह चाह वगैरह का इंतजाम बाद करवा के देना। ये जो खाना है ये खाना कि वालों मुहैया करवाया जा रहा है? ये खाना प्रशासन वालों बनाया जाए। नहीं, प्रशासन वालों ज समाज सेवी संस्था नौजवान प्रशासन वालों जो भी नुमाइंदे नियुक्त की। अच्छा, तो होर इतने तुम मतलब क्योंकि तुम इतने बैठे हो तो तुम किसी तरह की कोई परेशानी होर सारा तो लोड़ी इक्यूपमेंट वगैरह सारे है? इस लैवल तक तो साढ़े को सब कुछ है, पीपी किट्स वगैरह सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दवाइया वगैरह साढ़े किट वगैरह सब लोड़ी मात्रा च है। और कल जो एपीसोड होया चढ़ गए उसका कारण यह कि 2-20 तो बाद पेशेंटा का दाखला शुरू होया, लगभग 38 पेशेंट उस टाइम दाखिल होए, साडा स्टाफ उन्होंने दाखिल काम से लग्या गया, उस तो पहला खाना वरत चुकया सीगा ते पेशेंटा ने पहला खाना खादा नहीं सी पिछों ते जिसकी साढ़े पहला कोई जानकारी नहीं मिली सी कि असी उन्हां वास्ते खाना अरेंज करके रखते, परंतु असी उन्होंने चाह वगैरह बिस्कुट वगैरह मुहैया करवा दी। अच्छा, जिहड़े कल वाले पेशेंट सीगे ये मतलब उही ने जिहड़े कल आए सीगे? सफाई व्यवस्था डिस्पोजल प्लेटां ने खाली बोतलां ने चक्कर नहीं आता, जो टॉयलेट ने उत्थे भी बुरा हाल है, एक वीडियो उन्होंने भी बाहर भेजी हुई है, इदां दी उत्थे पानी नहीं है टॉयलेट के भी। देखो, टॉयलेट दे विच सफाई वगैरह होंदी रहिंदी है, कई बार की होंदा पानी की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज कोई कमी नहीं। अच्छा, पानी वगैरह सप्लाई सप्लाई सही है, कई बार टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ज्यादा बार नहीं आई, एक अद्धी बार आई है। ओके, ठीक है। दैनिक जागरण की टीम के वालों जो है अज इतने मेरीटोरियस स्कूल का दौरा किया गया तो इतों के हालात जाने गए है। दैनिक जागरण बठिंडा तो गुरप्रेम लहरी ते ज्योति बबेरवाल।